गत पढ़ेंगे, शुक्ल गत कितने होते हैं? 11। ओके okay। कदर लगन तालु पर, ये देखो किसी ने लिखा भी है, ये कोल प्रमाण वाले है ना, तुम लोग तो मूर्खड़े हो, मूर्खड़े मूर्ख हो ना तुम। अरे देख रहा हूँ बच्चों कमेंट कि इसमें क्या क्या उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं है। आंसर कर रखे हैं ठीक है। ठीक है सुनो, अब आगे शुक्ल गत पढ़ते हैं। शुक्ल गत है कितने टोटल? 11। और मेरी बात हुई थी आपसे शुक्ल गत रोग जो है उसमें टेरिजियम हो गई होगा, तो 5 तो टेरिजियम है प्लस 2 शिराएं हैं, फिर 2 और क्या है? अच्छा 5 तो ये हो गए अर्म है ना, और 2 हो गई सिरा जाल सिरा पिड़का। हाँ और सुनो सुनो सुनो, और 3 जो है ना, 4 है टोटल, सुप्ति का अर्जुन पिष्टक और वो बलाग्रथी है ना। तो पहले इन रोगों को देख लो, देखो प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमांस स्नायु, ये 5 प्रकार के अर्म होते हैं, तो टोटल 11 शुक्लगत मतलब ये स्क्लेरा पार्ट में होने वाली डिजीज, उसमें से 5 तो क्या हो गए अर्ब। फिर अगले नाम सुनो 5 के बाद में, शुक्ति का अर्जुन पिस्टक सिराजाल सिरापिड़ का, कितने हो गए रे? 10, और 11 हो गया बलास्ट, ये एकादश शुक्लगत। अब 2 नंबर का प्रश्न आता है कि शुक्ल गत रोगों के नाम लिखो, या 10 नंबर वाले शुक्ल गत रोगों का नाम लिखते हुए 5 प्रकार के अर्म लक्षण और चिकित्सा सहित बताए। तो चिकित्सा तो कॉमन है, लक्षण एक एक वर्ड है इनके। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं अर्म। देखो जरा प्रस्तारी का मतलब क्या होगा रे? फैला हुआ है ना, तो प्रस्तारी ये वर्ड भी काइंड ऑफ ऐसा लगता है जैसे विस्तारित विस्तीर्ण। प्रस्तारी प्रथितम अर्म, चपटा फैला हुआ, विस्तीर्ण ना, रुधिर प्रबम से नील, रेड प्लस ब्लू, ये ध्यान देना बाबू, रुधिर प्रबम से नीलम क्यों देना आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो प्रस्तारी बाद में कौन सा? शुक्ल, शुक्ल आख्यम शुक्ल भागम से स्वेतम वर्धते चीरेण, जो डब्बे में बंद कर रहा हूं वही आएंगे, बाकी तो जो शब्द है उसी से बन रहे हैं। वर्ध चीरण मतलब जिनकी ग्रोथ में ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि कफज होता है ना शुक्ल वाला। नेक्स्ट रक्तज अर्म या लोहितार्म क्या लिखता है? पद्माभ। अब जो रुधिर प्रबम है वो रुधिर वाला अर्म नहीं है, प्रस्तारी। नेक्स्ट आगे देख, अधिमांस, अधिमांस जारम के लिए लिखा है यकृत प्रकाशम श्यावम, ऐसा ही तो कलर होता है लीवर का जैसा मांस, यकृत प्रकाशम श्यावम तद अधिक मांस अर्य, मांसम अर्य मतलब वही अधिमांस। नेक्स्ट लास्ट में कौन सा? तुम्हें पता है मेद के मृदु पाक से सिरा बनती है और मेद के खर पाक से स्नायु बनती है, तो खर प्रपांडु वाला कौन सा हो गया? स्नायु हो गया। 5 प्रस्तारी से रुद्रम नीलम, शुक्ल वाला वर्धते चिरेण, लोहितार्म या शोणितार्म बराबर पद्मावम, फिर कौन बच गए? 2, अधिमांस यकृत प्रकाशम और
स्नायु वाला कर्क। चलो नेक्स्ट, शुक्तिका और अर्जुन, मैंने याद कराया था आपको, शुक्तिका था पैतृक सात और अर्जुन लिखता है पिशित निबच्च बिंदु ये शुक्ति आभाम सित न। आंख के स्क्लेरा वाले पार्ट में मांस का एक ऐसा डोट जिसका अपीरियंस दिखने में मुक्ता शुक्ति जैसा, वो कौन सा होता है? शुक्ति। और पित्त याद कराने के लिए मैंने शुक्त का कनेक्शन वहां किया था, देशज कल्पना वाला शुक्त होता है ना, उससे कि खट्टा एसिडिक वैसे। पैतिक साध। नेक्स्ट रक्त साध, ये वो सनी देओल वाला, आंख के अंदर खरगोश के रक्त बिंदु जैसा, खरगोश हो चाहे आदमी हो चाहे कुत्ता हो, रक्त तो सबका एक जैसे ही होता दिखने में, तो बिल्कुल ब्लड कलर का डॉट ये अर्जुन है। और अर्जुन धनुर्धारी था तो अर्जुन रक्त बहाता था, ऐसे याद कराया था, इधर भी रक्त बह रहा है इधर भी रक्त बह रहा है, और ये साथ। और पिशित निबच्च बिंदु पक्का याद करना कौन सा है? सुक्ति। विमर्श में वाग्भट ने सुक्ति का एक लाइन दी, उसमें एक लक्षण दिया, चक्रत भेड़ त्रड़ ज्वर मिला। जामनगर वालों ने मजाक मजाक में 2013 में पूछ लिया और हिंदी पूछी उसको कि इस नेत्र रोग के रोगी में तृष्णा अतिसार और ज्वर भेद मिलते हैं। अब बेचारा वो सामने बड़ा ऑप्शन तो चुप्पी का, नेत्र रोग में अतिसार हो रहा है, तृष्णा हो रही है, ज्वर हो रहा है, तो ज्यादातर पोत की कराए उसमें, है ना, पोत की हावी हो जाती ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये था नेक्स्ट पिस्तक, और पिस्तक कफ साध था, इसमें बस जो आएगा वो यही है क्या, सलिल निम, बाकी तो पिष्ट शुक्लो बिंदु पिष्टकम सुवृतम ये थोड़ी आया, और ये आया तो तुम करके आओगे, ठीक। नेक्स्ट शिरा जाल, शिरा जाल रक्त साध, और कौन सा साध? शस्त्र साध। आरंभ के जैसे ही तो है सिरा जाल, जाल आभम कठिन सिरा, कोई डाउट नहीं है, बस कुछ आएगा नहीं आएगा तो ये आएगा जाल आभम कठिन सिरा, सिरा जाल, ठीक है। साध्यता साध्यता याद कर लेना, चिकित्सा शस्त्र कर्म याद कर लेना। नेक्स्ट सिरा पिड़का, सिरा पिड़का में दोष क्या? सनिपात और साध्य, एकमात्र सिरा के नाम वाला नेत्र रोग है जो सनिपात होता है, बाकी सिरो उत्पात शिरा और सिरा जाल तीनों ही। अब सुनो शुक्लस्ता सित पिड़का, अब आ तो गया और क्या जान लोगे, सित पिड़का सिरा आवृता सिरा पिड़का हो गया है? चलो नेक्स्ट लास्ट बच गया कौन सा, बलास ग्रथित पक्का क्या होगा? कफ साध्य, क्योंकि बलास किसका पर्याय है? कफ का लोग आएगा ही। कांस्याभो भवति सिते अम्बु बिंदुत्र, किसी ने कांसे का कलर देखा है? कांसे का एपीरियंस थोड़ा सा वाइटी सी होता है ना, येलो तो सूरजमुखी का फूल होता है। फिर सोना कैसा हो, पीतल कैसा हो? कांस्य, अब क्या हो गया? कांस्य धातु,
ये देखो, अरे देखो, अरे देखो, ये दोनों ही कांसे के बर्तन है। अच्छा उनको भी दिखाएं, कांसे के बर्तन ही मैं दिखाऊं। ऑनलाइन वाला तुम भी देख, ये कहाँ से बर्तन है, तो वीडियो है भैया, और देखो फोटो दिखाना चाह रहा हूँ सालों तुमको। ये तो सब कलर किया हुआ ऊपर वाला दिख रहा है ना, मार्केट में बेचने के लिए ओरिजिनल, जो कहाँ सा मेटल होता है ना उसका। ये सब, ये तांबा आ गया इधर, पीतल भी आ गया। क्या लिखूं, ब्रॉन्ज लिखूं क्या? अभी इधर देखो आप, ये है। अब इतने तरह के इस पे पेंट होते हैं ब्रॉन्ज पे, ठीक है। और नीचे देखो लग रहा है जैसे कपड़े की दुकान हो, ये समझ पा रहे हो। और तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जो देखा है वही तो एक, क्योंकि मार्केट में जो बिकता है ना वो तभी बिकेगा जब इसका क्या होगा, चमक सही होगी, शाइन सही होगी, है ना। तो जो कांस्य है ना बेसिकली वो उसमें एक वाइट इज अपीरियंस होता है। अगर आप ओरिजिनल कांस्य के बर्तन देखना चाहो ना, तो जो बर्तन वाली शॉप होती है ना उसको बोलना बिना कलई किया हुआ कांस्य का बर्तन, कि बिना कलई किए हुए अंदर तो कोई भी खट्टी चीज डालती वो तो पूरा ऐसा खराब हो जाता, इसलिए उसके ऊपर बाहर से कलई करके देते हैं, मतलब एक लेयर चढ़ा के देते हैं उसके ऊपर, है ना। तो कांसे का जो कलर है ना वो काइंड ऑफ वाइट इज होता है, ये समझाना चाह रहा था। इस वाइटिस कलर को आपको किससे मैच करना है, बलास ग्रथिस से, क्योंकि कप का कलर कैसा होता है वाइट, समझ गए बात को, समझ गए समझ गए। बस खेल खत्म, कल क्या पढ़ेंगे, कृष्ण मजा आएगा कल, एवन शू, एवन शू मतलब ओपेसिटी और अल्सर पढ़ेंगे, फिर प्रोलैप्स और वो आयरिस वाले एरिया जो उसका हो रहा था ना आज का जांच में। हाँ और क्या था, सीलेरी मसल्स का, और क्या था एक चौथा रहा कौन सा इसमें, अक्षिपाकत है ना, सुपुरेटिव जो कॉर्नियल अल्सर्स होते हैं प्रॉपर। देन पढ़ेंगे प्रश्नगत के बाद दृष्टिगत 12, जिसमें 6 तिमिर, लिंगनास, काज, वो सब एक ही चीज है, वो आ जाएंगे। फिर उसमें भी ट्विस्ट है, उसमें 3 साध्य 3 याप्य, वो 3 साध्य 3 असाध्य 6 याप्य है, जिसमें असु जाड्य वगैरह आते हैं, ये रहे। वहां अपन और भी पढ़ेंगे प्रथम पटलगत, द्वितीय पटलगत, तृतीय पटलगत तिमिर के लक्षण, फिर किस पटलगत तिमिर को क्या बोला है, वाग्भट क्यों टकला है वहां पे, सारी बात है ना, कल पढ़ेंगे बाकी।